जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्रीवल्लभादि की जय। आज पौष कृष्ण सप्तमी मंगलवार 5 जनवरी 2021 है। श्रीनाथ जी में आज श्री गुसाई जी के द्वितीय पुत्र गोविंद राय जी के प्रथम पुत्र कल्याण राय जी का जन्मोत्सव है। आप श्री गुसाई जी के ज्येष्ठ पौत्र थे एवं उनके जीवित रहते ही आपका जन्म विक्रम संवत 1635 में गोकुल में हुआ था। श्री गोविंद राय जी आज के दिन श्री जी का श्रृंगार कर रहे थे, तब आपका जन्म हुआ। स्वयं श्री जी ने बधाई मांगते हुए कहा कि गोविंद गर्भ है, कल्याण बधाई दे। इसी कारण आपके पुत्र का नाम कल्याण राय जी पड़ा। पुत्र जन्म के कारण उन्हें पिंडरू पड़ा, इसलिए उनको सेवा तुरंत छोड़नी पड़ी। श्री जी ने पुनः आज्ञा की, मोको पहले बधाई दे, श्रृंगार करके चलियो जाएगो। तब आपने तुरंत हाथ में से अंगूठी निकालकर प्रभु को भेंट की। श्री कल्याण राय जी को पक्षियों से विशेष प्रेम था, अतः आज श्री जी में पिछवाई और वस्त्र आदि पक्षियों के भरत काम वाले धराए जाते हैं और वैष्णव जगत में आपको पंछी वाले कल्याण राय जी के नाम से भी जाना जाता है। आपकी बाल्यावस्था का एक प्रसंग है कि एक बार श्री महाप्रभु जी के भाई श्री केशवपुरी जी गोकुल पधारे एवं गुसाई जी को कहा कि आपके बालकों अर्थात पुत्रों में से एक बालक मेरी गादी के उत्तराधिकार हेतु दत्तक के रूप में देवे। तब श्री गुसाई जी कुछ न बोले, परंतु आपके सभी 7 पुत्र एक दूसरे की ओर देखने लगे और अंत में सभी की दृष्टि श्री कल्याण राय जी की ओर गई। तब आपको आभास हुआ कि मैं इन सबसे छोटा हूँ, तो संभवतः दादाजी श्री गुसाई जी मुझे केशवपुरी जी को दे देंगे। अतः चिंता तो आपने अपना भाव दाढ़ी के एक पद द्वारा प्रदर्शित किया, हो व्रज मांगनो जो व्रज तज अनत न जाऊँ, अर्थात वे व्रज छोड़ के कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहते हैं। उस दिन गाया दाढ़ी का पद आज श्रीनाथ जी में भोग आरती के समय गाया जाता है। श्री गुसाई जी ने आपको अभय प्रदान किया और इस प्रकार उनके कोई भी बालक केशवपुरी जी के साथ नहीं गए। श्री कल्याण राय जी उच्च कोटि के साहित्यकार एवं कवि थे। उन्होंने उत्कृष्ट पदों की रचना की जो कि नित्य नियम और विभिन्न उत्सवों में आज भी गाए जाते हैं। आपके पुत्र श्री हरिराय जी महाप्रभु हुए हैं। आपके यहाँ द्वितीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी विराजित थे, जिनकी सेवा श्रृंगार कीर्तन भोग साज आदि में आपने बहुत वृद्धि की। श्री गोवर्धन धरण प्रभु को भी आपने विविध मनोरथों के द्वारा खूब रिझाया। आज द्वितीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी के घर से श्रीनाथ जी एवं श्री नवनीत प्रिया जी के भोग हेतु जलेबी का घेरा की सामग्री सिद्ध होकर आती है। आज से पौष कृष्ण द्वादशी तक प्रतिदिन श्री जी को मोर पंख की चंद्रिका का श्रृंगार धराया जाता है। इसका कारण यह है कि मयूर भी निष्काम वियोगी भक्त का स्वरूप है। श्री गुसाई जी को 6 मास तक श्रीनाथ जी के विप्र योग का अनुभव हुआ था, अतः आपके उत्सव को बीच में रखकर 6 दिवस तक प्रतिदिन मोर पंख की चंद्रिका श्रीनाथ जी को धराई जाती है। आज की सात सेवा में श्रीनाथ जी में आज लाल साटन की तोते, चिड़िया, मयूर आदि विभिन्न पक्षियों के भरत काम से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है, जिसमें रुपहली जरी की तुई लेस की किनारी का हाशिया बना होता है। यह पक्षियों के भरत काम वाली पिछवाई श्री कल्याण राय जी पक्षी वाले के भाव से धराई जाती है। आज गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर श्वेत बिछावट की जाती है और प्रभु के स्वरूप के सम्मुख लाल रंग की तह बिछाई जाती है। आज की वस्त्र सेवा में प्रभु श्री वल्लभाधीश को आज लाल रंग की साटन का रुपहली जरी के पक्षियों के भरत काम एवं तुई लेस की किनारी से सुसज्जित चोली, सूथन, चाकदार वागा एवं मोजाजी धराए जाते हैं। पटका लाल मलमल का धराया जाता है। खीन खाप के ठाड़े वस्त्र मेघ श्याम छापा के धराए जाते हैं। आवरण श्रृंगार सेवा में प्रभु को आज वनमाला का भारी श्रृंगार धराया जाता है। चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है। आज सर्वाभरण हीरे के धराए जाते हैं।
श्रीमस्तक पर मीना के पक्षी की मीनाकारी वाले कूले के ऊपर पान, पांच मोर पंख की चंद्रिका की जोड़ और शीशफूल धराए जाते हैं। श्रीकर्ण में मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। मीना की चोटी जी शिखा जी धराई जाती है। आज कली कस्तूरी आदि सब माला जी धराई जाती है और श्वेत गुलाबी एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी थाक वाली दो सुंदर माला जी प्रभु जी के श्रीकंठ में सुशोभित की जाती है। श्रीहस्त में मीना के पक्षी के वेणु जी और दो वेत्र जी धराए जाते हैं, जिनमें से एक वेत्र जी सोने के और एक मीना के पक्षी के होते हैं। केल के साज में पटलाल गोटी मीना की पक्षी की धराई जाती है। आरसी श्रृंगार में पीले खंड की और राजभोग में सोने के डांडी की दिखाई जाती है। आइए आज की राग सेवा, आज के कीर्तनों की चर्चा करते हैं। मंगला दर्शन में कीर्तन मंगल रूप निदान सांवरो, राजभोग में जय श्री वल्लभ राजकुंवर, आरती में श्री वल्लभ मंगल रूप निदान और शयन में आज धन्य भाग हमारे प्रकटे श्री विट्ठलनाथ का गायन प्रभु के सम्मुख किया जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज बस इतना ही। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।